लोग आज हिजमाड़ी बीच जाने का प्लान कर रहे हैं। तो रास्ता लेते हो बीच की तरफ का तो कांचा नाइट प्लान मिलेगा, और वहाँ से तीन रास्ता आएगा, एक लेफ्ट को, एक राइट को और एक स्ट्रेट। तो हमें स्ट्रेट रास्ते में जाना है। यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद हिजमाड़ी की बीच के लिए दो हो सकता है, अगर आप स्ट्रेट आगे जाओगे तो भी अंदर के रास्ते से होके हिजमाड़ी बीच जा सकते हो, या आगे जाके लेफ्ट घूमेंगे तो भी आप हिजमाड़ी बीच पहुँच सकते हो। ये रस्ते से भी बीच को जा सकते हैं जो राइट को जा रहा है, लेकिन वो उतना खास नहीं है। हम लोग ये रास्ता जो लेफ्ट में जा रहा है स्ट्रेट से। हम लोग हिजमाड़ी बीच को जा रहे हैं। हाँ, ये हिजमाड़ी का बीच पे भी हम लोग हिजमाड़ी के बीच को जा रहे हैं। दिख रहा है ना बीच? हाँ, बीच साइड फुल ग्रीनरी है। हम लोग कोड़ी हिजमाड़ी बीच जा रहे हैं। ये पुलिस चौकी है, पुलिस जो कोस्टल गार्ड का है। राइट साइड में बीच है और लेफ्ट साइड में रिवर है। ये बहुत ब्यूटीफुल नजारा है। इसको कहते हैं कोड़ी। हाँ, पीछे जा रहे हैं ना, फिर धूप नहीं मिली। यहाँ पे एक छोटा सा डेक है, यहाँ से बोट निकलते हैं फिशिंग के लिए। यहाँ एक दो बोट आके रखते हैं। अगर आप फिश का ऑप्शन भी होता है यहाँ, ये वो जगह है। अब हम लोग यहाँ जा रहे हैं। ये है छोटा सा डेक जहाँ पे बोट्स आते हैं, फिशिंग के बोट। ये लोग यहाँ पे आके फिश ऑक्शन डालते हैं। एक नदी है, एक दो बोट भी खड़े हैं। अगर आप हिजमाड़ी बीच आते हैं तो यहाँ जरूर आना। पानी के पास नहीं जाना, नीचे गिरेंगे। ठीक है, गुड बेबी, गुड गर्ल। हाँ, वहाँ पे भी एक बोट है। हाँ, इधर साइड बीच है, बहुत अच्छा लगता है बीच। यूजुअली एक साइड रिवर, एक साइड बीच होता है, तो उस एरिया को कोड़ी कहते हैं।
जैसे कोड़ी बिंगरे, हजमाड़ी कोड़ी बीच, यहाँ से फिर हम लोग बीच के पास जा सकते हैं। नन्ना नहीं जाना बेबी, गुड गर्ल ना, पानी के नजदीक नहीं जाना। मुन्नो तुम भी, यहाँ पे फिश ऑक्शन होता है। हाँ पहले बहुत टाइम से होता है ना, यहाँ पे लाके फिश ऑक्शन पे डालते हैं। अभी फिश के बोट नहीं है, वेदर भी बहुत अच्छा है आज का, ब्यूटीफुल क्लाउड्स देखने को मिल रहे हैं। चलो अभी यहाँ से बीच की तरफ चलते हैं। ये जो डेक है, हम लोग वहाँ से अभी बीच की तरफ आए हैं। जस्ट आपको एक बीच में छोटा सा रोड है, उससे इधर आते हैं तो बीच है। बीच के पास अच्छा खासा ग्रीनरी है, बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है ग्रीनरी को देखना। देखिए कितना ब्यूटीफुल है ग्रीनरी। और ये है बीच, ये है हजमाड़ी बीच का एक नजारा। हालांकि बहुत फेमस बीच नहीं है, लेकिन आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, स्पेशली नेचर लवर। नेचुरल बीच है। चलिए अभी बीच की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग बीच के पास आए हैं। सुनसान बीच लग रहा है क्योंकि यहाँ पे, ये एरिया पे लोग ज्यादा नहीं आते हैं। बच्चे अच्छा एंजॉय करते हैं बीच में। थोड़ा क्लाउडी है लेकिन बारिश का कोई चांसेस नहीं है। हाँ नन्ना, बोट बोट फिशिंग कर रहे हैं, बीच में है बेबी, अंदर वहां देखो, सी के अंदर है बोट। क्लाउडी वेदर बन रहा है, हो सकता है शाम में बारिश हो जाए। बच्चे जब भी बीच के पास आते हैं अपना नाम लिखना हैंड में पसंद करते हैं। मीशा ने अपना नाम लिखा है, मीशा। बच्चे सैंड में खेलना पसंद करते हैं। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आज समंदर शांत लग रहा है।
नाना क्या बना रही हैं? माउंटेन बना रही। ओके बहुत शांत प्लेस है, आप यहाँ तक गाड़ी ला के पार्क कर सकते हो। यहाँ पे सारा कोई पार्किंग फीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ऐसी प्लेस चाहिए जहाँ पे क्राउड ना हो, ग्रीनरी हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, बहुत अच्छी प्लेस है। अगर आप इधर आओगे तो पार्किंग के लिए भी बहुत सारी जगह मिलेगी। डेक है, ग्रीनरी है, बहुत शांत प्लेस है। इतना तो श्योर है, अगर आप एजमाड़ी बीच आओगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको क्राउडेड प्लेसेस पसंद है तो हाँ, एजमाड़ी प्लेस आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप शांत प्लेस चाहते हो जहाँ पे ज़्यादा क्राउड ना हो, ग्रीनरी हो, अगर आपको थोड़ा क्राउडेड प्लेसेस में की आदत है तो ये एरिया पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको लोग रहेंगे, यहाँ पे चरमुरी वाले मिलेंगे, शॉप्स मिलेंगे। यहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं, यहाँ पे भी कोई पार्किंग फीस नहीं लगेगी। आप अगर हेजमाड़ी के कोड़ी के तरफ से आ रहे हैं और इसी एरिया पे आएंगे तो आपको ये बीच मिलेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से लेके जाते हैं तो शॉर्टकट रास्ता है, इस रास्ते से भी जा सकते हैं। अगर आपको बीच की तरफ जाना है तो स्ट्रेट यहाँ से भी शॉर्टकट होके आ सकते हैं। यहाँ पे शाम में क्राउड होता है क्या नन्ना? बच्चों को सैंड में खेलना बहुत पसंद आता है। हमें बोट आते हैं तो आप फिश भी कर ही सकते हैं। बच्चे बीच पे बहुत एंजॉय करते हैं। नन्ना कौवे को भगाने को जा रही है कौवे के पीछे। जैसे जैसे शाम का टाइम बढ़ते जाता है लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है बीच पे।
अगर आपको भीड़ पसंद है तो शाम में आ सकते हैं और इस एरिया पे आ जाइए। अगर भीड़ पसंद नहीं है तो उस जगह पे जब मैं पहली बार गया था उधर आ सकते हैं, वहाँ पे भी शाम में तो भीड़ आ जाएगी लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ से कम आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उस एरिया का पता नहीं होता है, क्योंकि हम लोग यहीं से हैं, नज़दीक वाले हैं, हम लोग आते रहते हैं तो हमें पता है कि ये एरिया है। बाहर के लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है इस एरिया के बारे में। आज क्लाउडी है थोड़ा वेदर। हाँ ओके। पानी के लहरों में खेलने में बहुत मज़ा आता है। पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ।